चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से तल्ख हुए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ कश्मीर मामले पर हर ओर से मिली हार ने पाकिस्तान की बौखलाहट को खासा बढ़ा दिया है। इसी खिसियाहट में वह भारत से जंग शुरू करने का माहौल बना रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद का बेहद ही बेतुका बयान सामने आया है। अपने बयान में राशिद भारत और पाकिस्तान के युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई देते हैं। राशिद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच फुल ब्लो वॉर अक्टूबर में होने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात सामने आई थी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिले थे और दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता साझा किया गया था उसे देख सब लोग हैरान थे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इमरान खान ने परमाणु बम से हमले की धमकियां भी दी। वहीं इसके बाद कल यानी मंगलवार को पाक सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी गतिविधियों को खासा तेज कर दिया। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर यानी पोक में पाकिस्तानी सेना ने अपने 100 से ज्यादा SSG कमांडो फोर्स को तैनात किया है। वहीं नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए पाक की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट और आतंकी मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। दरअसल पाक अपनी इस हरकत से दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करना चाहता है, ताकि दूसरे देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का मार्ग तलाश सकें। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने सभी विदेशी दूतावासों में एक कश्मीर डेस्क भी गठित की है, जिससे जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के खिलाफ वह अपना राग अलाप सके। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक POK में जैसे मोहम्मद के आतंकियों को पाकिस्तान की SSG कमांडो फोर्स का पूरा समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तानी सेना जैश के आतंकियों का इस्तेमाल कर कश्मीर में बड़े धमाकों को अंजाम देना चाहती है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकता है। देखा जाए तो पाकिस्तान के सर क्रीक इलाके में पाक के SSG कमांडो फोर्स की मौजूदगी भारत के शक को और गहरा करती है, जिसे लेकर भारतीय सेना और वायुसेना इस समय हाई अलर्ट पर है। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।